ये खबर आपको दें, पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी के डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट गिरफ्तार हो गए हैं। कैसर अमीन भट्ट को अंदरून सिंध से गिरफ्तार किया गया है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राहील सैयद से। राहील, अहम पेशरफ्त हुई है पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी केस में। जी आमना कटाना, ये बड़े अहम पेशरफ्त है जो हमने की, और ये खतरनाक है ख्वाजा साद रफी के लिए भी, क्योंकि कहा जाता है कैसर ने अहम जो शवायद है उस पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से उससे नैब को आगाह भी कर दिया था, और जब उन्होंने अपना तहरीरी बयान भी दिया तो उसने भी इस बात को साबित किया था कि पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी में जो है ख्वाजा बरादरान का अहम रोल है। इस वक्त नैब उनकी क्वेश्चन आज सुबह जो उन्होंने जा रहा है कि वो नशे की हालत में थे और ख्वाजा बरादरान की वहाँ पर खुफिया इतला मिलने पर वहाँ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और कल सुबह जो है उन्हें नैब लाहौर लाया जाएगा, उसके बाद तहकीकात के सिलसिले को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि एक कैसर अमीन भट्ट जो है ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ जो है वाकफ़नामा गवाह बन सकते हैं, क्योंकि जब पेश हुए थे नैब की कस्टडी उन्होंने कहा था कि वो वाकफ़नामा गवाह। राहील ये भी बताएगा, नैब लाहौर ने अहम गवाह का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है इस केस के हवाले से। जी इस हवाले से जो है पैरागोन के हवाले से मुख्तलिफ जो गवाह हैं उनके भी रिकॉर्ड बयान जो है। ठीक है राहील, आप हमारे साथ ही रहेगा। पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी केस में अहम पेशरफ्त हुई है, नैब लाहौर ने अहम गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया है, जबकि गवाह गुलबा का रिहायशी है, जराए का ये कहना है। बहुत शुक्रिया राहील सैयद, अपडेट कर रहे थे इस हवाले से।